हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं हूँ नोएडा इंडोर स्टेडियम में और यहाँ पर मैच चल रहा है हमारी टीम का। फिलहाल हमारा मैच तो हो चुका है, हमारी दूसरी टीम खेल रही है। बट मैं इसके साथ ही आपको कुछ अपडेट देना चाह रहा हूँ और वो अपडेट ये है CBSE चेकिंग के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ, CBSE चेकिंग बहुत तेज़ी से चल रही है और CBSE चेकिंग का ज़्यादातर काम पूरा हो चुका है। मतलब 60-70% कॉपी चेकिंग पूरी हो चुकी है, कम्प्लीट हो चुकी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉपी चेकिंग लीनियंट हो रही है नहीं हो रही है, तो बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं क्या कॉपी चेकिंग लीनियंट हो रही है। तो यस, आई विल से, मैं माइक को दाढ़ी में लगा लूँगी अपनी। हाँ, तो CBSE कॉपी चेकिंग बहुत लीनियंट हो रही है, और लीनियंट मतलब अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ CBSE। ना तो आप लीनियंट कह सकते हैं ना इसको हार्ड कह सकते हैं, जो CBSE के नॉर्म्स होते हैं वही हो रही है और कोई भी डरने की बात नहीं है। जिस तरह मैच चल रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर, बैडमिंटन, फुटबॉल, उसी तरह हमारे लाइफ के मैचेस भी चलते रहते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, जैसे खिलाड़ी नहीं घबरा रहे हैं आपको भी नहीं घबराना है। और ये है खेलो इंडिया, खेलो दुनिया, खेलो इंडिया नहीं है। एक बात मैं और कहूँगा कि जैसे मैंने पहले बताया था, इस बार कॉपी चेकिंग में दो बातें पता चल रही हैं। एक तो बच्चों की पास परसेंटेज बढ़ रही है, लेकिन अच्छे बच्चों की संख्या घट रही है। मतलब जो बच्चे अच्छा कर रहे थे पहले 50-60% बच्चे पूरा आंसर लिखते थे, अच्छा करते थे, अब वो संख्या कम हो गई है और बच्चे आंसर पूरा नहीं लिख रहे हैं। इसके अलावा 60-70% कॉपी चेकिंग पूरी हो गई है। CBSE युद्ध स्तर पर अपना काम कर रही है बहुत तेज़ी से। अभी चल रहा है अप्रैल में तो रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है बिल्कुल भी। अप्रैल के लास्ट में CBSE सरप्राइज दे सकती है रिजल्ट देकर, हालांकि चांस कम है। बट 15 मई तक आपके रिजल्ट आने की मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि CBSE का अपना एक फंडा होता है, बहुत सारे काम होते हैं। कॉपी चेकिंग होना केवल 50% काम ही होता है, कॉपी चेकिंग के बाद बहुत सारे काम होते हैं CBSE को, जिससे कि वो आपके रिजल्ट तैयार करती है। तो जो बच्चे सोचते हैं, टीचर्स भी, या जो आपको बताते हैं यूट्यूबर्स की कॉपी चेकिंग हुई तो रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं सीढ़ियों पे चढ़ रहा हूँ, देखो ये सीढ़ी कैसी है। तो रिजल्ट आना एक प्रोसेस होती है, जिसमें कॉपी चेकिंग के बाद भी बहुत सारा काम बच जाता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर में अपडेट करना, टेबुलेशन, मॉडरेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैं आपको सारी नहीं बता सकता हूँ। तो इट विल टेक टाइम। और एक बार जो सेम भारद्वाज जी हैं CBSE के, उन्होंने कहा था कि हमें रिजल्ट बनाने में मिनिमम 45 डेज का टाइम लगता है। तो 45 डेज कॉपी चेकिंग के बाद, तो मैं कितनी हाइट पर हूँ देख लीजिए। अभी मैं यहाँ पर हूँ बच्चों, इतनी हाइट पर हूँ मैं कि जो बच्चे खेल रहे हैं बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं। ये नोएडा इंडोर स्टेडियम में हूँ मैं इस टाइम। सो रिजल्ट आएगा, कोई डरने की बात नहीं है। इसके अलावा कंपार्टमेंट के रूल्स क्या हैं, इम्प्रूवमेंट को अगले साल होता है, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है दोबारा पेपर देना। कंपार्टमेंट के रूल्स, कंपार्टमेंट कौन दे सकता है, कितने सब्जेक्ट पे दे सकता है, ये सारी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा आने वाले टाइम पर। अभी CBSE की 2023 की गाइडलाइन नहीं आई है कंपार्टमेंट। और वहाँ पर देखिए फुटबॉल मैच चल रहा है। ओहो, मेरा टेनिस मैच हो चुका है, फिर बैडमिंटन, और अभी जो है हमारे खेलेंगे। तो फिलहाल आपके जो भी सवाल हो आप उससे पूछ सकते हैं। मैं कुछ बातें ऐसी होती जो बता नहीं सकता चेकिंग के बारे में, लेकिन 10वीं की कॉपी ऑलमोस्ट चेक हो चुकी है, 12वीं की कॉपी 60-70% चेक हो चुकी है। जो पेपर बाद में हुए उनकी कॉपी चेक नहीं हुई, और कॉपी चेक होने के बाद भी टेबुलेशन और सॉफ्टवेयर अपडेशन, बहुत सारे काम होते हैं। तो रिजल्ट 15 मई तक आने की उम्मीद है और कोई डरने की बात नहीं है। और कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी सवाल हो आपका पूछ सकते हैं। थैंक यू, लव यू। एक बार फिर से मैच देख लीजिए, स्टेडियम कितना बड़ा है। सबको ऑल द बेस्ट, सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। जय हिंद।